हाउसफुल फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म हाउसफुल 3 अभी तक की सबसे कमजोर फिल्म है। बेसिर पैर वाली कॉमेडी फिल्मों वाले सारे मसाले इस फिल्म में डाले गए हैं और कहानी का कोई अता पता नहीं है। साजिद फरहाद की जोड़ी घिसे पिटे चुटकुलों और बचकानी हरकतों के सहारे ये फिल्म चलाने की कोशिश करती नजर आती है। अक्षय कुमार की वजह से आपको शायद थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है तो आ जाए, लेकिन फिल्म की तीनों हीरोइने यानी नरगिस पापी, जैकलिन फर्नांडिस और लीजा हेडन प्रभावित नहीं करती। बोमन ईरानी के साथ जैकी श्रॉफ बिल्कुल ही असर नहीं छोड़ पाए हैं। रितेश और अभिषेक ठीक ठाक हैं। अगर आप अक्षय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉमेडी में थोड़ी सी भी रुचि है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं बनी।